Hello and welcome, friends. Today we are going to learn about how to prepare a marksheet on Python. तो Python पे marksheet कैसे बनाई जाती है उसकी बात करेंगे हम. तो चलिए आइए Python की IDE open कर लेते हैं. यहाँ से मैं Python का IDE open कर लेता हूँ. मेरा system 32 bit का है, तो 32 bit वाला मैंने download किया है. अगर आपका system 64 bit का है तो उसमें 32 bit और 64 bit दोनों ही Python सॉफ्टवेयर चल जाएगा. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं python.org पर जाकर. चलिए आइए, अब यहाँ पर हमें समझना है, क्या समझना है कि हमें एक मार्कशीट डिजाइन करनी है जिसमें हम 5 सब्जेक्ट रखेंगे. तो चलिए आइए इसको डिजाइन करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ प्रिंट लिख लेता हूँ ताकि जो प्रिंट करवाना हो वो यहाँ पे मैं दे सकूँ. तो यहाँ पे मैं देता हूँ, सॉरी, इंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. ओके, तो ये दे दिया हमने. अब हमें क्या करना है, नीचे आना है और उन वेरिएबल्स के बारे में बताना है. तो पहला वेरिएबल ए, फिर दूसरा बी, सी, ऐसा करके डी, और फिर एट लास्ट एक वेरिएबल ई भी मैं बना लेता हूँ. ठीक है, डिफाइन इनको हम लोग बाद में कर देंगे. ठीक है, ये स्टाइल पाइथन में है. अब यहां पर मैं डिफाइन करता हूँ इसको. ये इंट टाइप का है. कैसा है? इंट टाइप का. ठीक है, तो इंट टाइप का हमने डेटा टाइप लिया हुआ है. ठीक है, अब यहां पे लगाएंगे हम इनपुट फंक्शन. तो यहां पे इंट लगाया हमने, अब फिर लिखूंगा इनपुट. ठीक है, तो इंट लिखा हमने, अब यहां लिखता हूं इनपुट. ठीक है, और यहां पर इनपुट में 2 ब्रैकेट्स, एक ओपन और दूसरा क्लोज ब्रैकेट लगाया जाता है, ये तो आपको पता ही है. और जो हमने इंट लिया था और इंट के बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये इंट के बाद वाला पहला इनपुट, और यहां पर ये इनपुट फंक्शन जब लिखते हैं हम तो ये 2 ब्रैकेट तो हम लिखते ही हैं. तो इस वाले ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए यहां पर भी ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया है. ठीक है, और इसके बाद फिर हम लगातार 5 चूंकि हमें देना है तो 5 इंट टाइप का ही डेटा टाइप है. तो यहाँ डेटा टाइप इंटर कराए हैं और इंट टाइप का है वो. ठीक है, अब आगे क्या करना है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा. देखिए डेटा टाइप तो हमने इंटर करा लिया, अब हमको यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन देनी है और इफ एलिफ की भी कंडीशन हमें लिखनी होगी. एलिफ भी लगाना होगा और एल्स भी लगाना होगा. ठीक है, तो एलिफ जो है इसमें नया है, हालांकि एवरेज कैलकुलेट करते वक्त मैंने आपको बताया था. तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33. ठीक है, जब भी 33 से ज्यादा स्टूडेंट मार्क्स गेन करेगा. अब इसको एंड से जोड़ेंगे, तो यहाँ एंड से मैंने जोड़ दिया और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 ये सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33. यहाँ पे देखिए जैसा कि हम सी लैंग्वेज और जावा वगैरह में लिखते हैं, इसमें इफ के बाद कोई ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है, तो ये ब्रैकेट मैं हटा देता हूं. ठीक है, इसको सबको एंड से जोड़ते हुए चलना है आपको. ठीक है, यहां पर भी हम एंड से जोड़ देते हैं इसको, तो ये एंड से जोड़ दिया हमने. ठीक है, और फिर यहां पर भी एंड से जोड़ेंगे, तो ये भी एंड से जोड़ दिया हमने. और अब सी तक आ चुके हैं हम. अब डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 ये कर दिया हमने, और एट लास्ट ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 इतना कर दिया हमने. ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ कोलन लगा देता हूं मैं. एंटर करके नीचे आऊंगा और यहां पर हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है. जो भी हमें प्रिंट में देना है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं. तो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे रिजल्ट हम. क्या प्रिंट करवाएंगे? रिजल्ट. ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने रिजल्ट और जो भी रिजल्ट है. ठीक है, जैसे यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करवा दिया मैंने पास. ठीक है, तो पहले बार में मैं क्या रिजल्ट प्रिंट करवाऊंगा? पास का रिजल्ट प्रिंट करवा रहा हूं. ठीक है, फिर नीचे आएंगे. अब यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा. परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि पास है या फेल है, या आप कह सकते हैं कि एवरेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. फिलहाल मैं यहाँ परसेंटेज ही लिखता हूँ. परसेंटेज इज इक्वल टू, अब देखिए जितने भी वेरिएबल बनाए हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे हम एवरेज भी कह सकते हैं. एक्चुअली में ये एवरेज ही है. ठीक है, आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं इसे. ठीक है, दोनों सेम ही आता है. तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. ठीक है, और ये जो है एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको और 5 से डिवाइड करेंगे. चूंकि 5 सब्जेक्ट है तो इसको 5 से ही हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे. ठीक है, अब नीचे लिखेंगे प्रिंट. अब हमको प्रिंट करवाना है, वो चीजें प्रिंट करवाएंगे. देखिए क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज. ठीक है, क्या लिखेंगे? परसेंटेज. परसेंटेज चूंकि हम परसेंटेज ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दिया मैंने परसेंटेज. ठीक है, और परसेंटेज लिख करके यहाँ पे कोलन लगा देता हूँ और थोड़ा गैप देकर यहाँ पे इसको क्लोज भी कर देता हूँ.
अब परसेंटेज जाके स्टोर कहां होगा, तो PER नाम का जो हमने बनाया है यहां पे, इसी में जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो इसको हमने यहां से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद क्या करना है आपको, फिर यहां पर कंडीशन और भी देनी होगी, ठीक है। तो यहां पे इफ एल्स की कंडीशन देनी है हमें, ठीक है। तो यहां पे मैं देता हूं इफ परसेंटेज PER, यानी PER नाम से ही हमने बनाया है, इफ PER इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है। ऐसा अगर हो तो क्या हो, ऐसा अगर हो तो यहां पे प्रिंट करवाता हूं फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। FIRST फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, ये फर्स्ट डिवीजन हमने प्रिंट करवा दिया। अब फिर एलिफ लगाएंगे यहां पे, ये एलिफ आपके लिए नया है, एलिफ को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एलिफ जो लगाना है आपको, देखिए इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पाइथन पे कोडिंग कर रहे हैं तो इंडेंटेशन तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा मैं लिख रहा हूं बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, ठीक है, वरना एरर आएगी, ठीक है। तो एलिफ लिख लिया हमने, और एलिफ में क्या देंगे, परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ठीक है। आप अपने अनुसार परसेंटेज को, अगर आप 50% से अबव पास रखना चाहते हैं, उसके नीचे फेल रखना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप उसे डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो यहां पे 50 कर दिया हमने, कोलन लगा दिया, नीचे आएंगे। अब यहां पर क्या करना है, नीचे आने के बाद यहां पे प्रिंट देना है। तो यहां पे देते हैं प्रिंट, ठीक है। देखिए इफ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी देखिए मैंने ब्रैकेट जो लगाया है उसको हटा देता हूं। इफ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो एरर आएगी, ठीक है। तो अब यहां पर आ जाएगा सेकंड डिवीजन, ठीक है, 50 से अबव रहेगा या 50 के बराबर रहेगा, तो यहां पे आ जाएगा सेकंड डिवीजन। तो ये सेकंड डिवीजन मैंने कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब सेकंड डिवीजन करने के बाद फिर हम क्या देंगे, चूंकि हम दो बार क्या दे चुके हैं यहां, देखिए एक बार हमने क्या दिया है, इफ दिया है, दूसरी बार एलिफ दिया है, ठीक है। तो यहां पर सेकेंड डिवीजन कर दिया हमने, ठीक है। अब हम एक बार इफ के लिए एल्स देंगे, ठीक है, क्या देंगे, एल्स देंगे। तो यहां पर एलिफ के ठीक नीचे मैं लिखता हूं एल्स, ठीक है, ये एलिफ वाला एक एल्स है, ठीक है। और एल्स लिखने के बाद यहां कोलन लगा देते हैं और नीचे लिखता हूं मैं प्रिंट, और प्रिंट में क्या दे दूंगा मैं, थर्ड डिवीजन, ठीक है। चूंकि सेकंड डिवीजन तक हम आ चुके हैं तो यहां थर्ड डिवीजन दे दूंगा मैं, थर्ड डिवीजन। अब जो इफ का एल्स है वो मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। तो इफ के एल्स को लिखने की बारी है, तो अब यहां पर इफ का एल्स भी लिख लेते हैं। अब ये जो एल्स है ना, इसको आप लिखिएगा यहां, ठीक है, यहां लिखता हूं एल्स, ठीक है। और एल्स में क्या देना है हमें, रिजल्ट मैं दे देता हूं, लिखता हूं मैं प्रिंट में, प्रिंट करवाता हूं, लिखता हूं रिजल्ट, ठीक है, और लिख दूंगा फेल। अगर इन सारे में से कोई भी कंडीशंस मैच ना करें तो वो बच्चा क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है। ऐसा हमने लगा दिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको सेव करने की बारी है। तो यहां से सेव करते हैं, .py लगाना जरूरी, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है .py। अब इसको रन करवाते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं ये प्रोग्राम हमारा ठीक तरह से रन हो गया। अब यहां पर हमको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं। जैसे सपोज कीजिए 77 एंटर किया हमने, 99 एंटर किया, 67 एंटर किया, ये एंटर कर दिया 49, 78। अब ये देखिए रिजल्ट आ गया पास का, 74% फर्स्ट डिवीजन है, यानी 60% से अबव फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है, 50% से अबव लेकिन 60% से कम सेकंड डिवीजन है, और 50% से लेस लेकिन 33% तक थर्ड डिवीजन है। 33% से लेस क्या है, फेल है। चलिए एक बार और इस प्रोग्राम को मैं यहां से रन करवाता हूं, और इस बार हम लोग फेल वाला रिजल्ट कैसे आएगा वो देखेंगे। जैसे यहां 33 किया मैंने, यहां किया 55, यहां 22, यहां 11, यहां 22, यहां 11। तो यहां पे देखिए ये ऑलरेडी देखिए ये फेल का रिजल्ट आ चुका है यहां पे, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हमने जैसे इंटर किए तो यहां फेल का रिजल्ट आ रहा है। आइए देखते हैं सेकंड डिवीजन का रिजल्ट आता है या नहीं। तो यहां से इसको रन करवाया हमने, अब इसमें सेकंड डिवीजन का रिजल्ट हम देखेंगे।
ये देखिए ये जो है फेल हो गया क्योंकि एक सब्जेक्ट में इसके मार्क्स जो है कम हो गए। अब सेकंड डिवीजन वाला रिजल्ट आइए देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर सेकंड डिवीजन कैसे आएगा, यहाँ पर 66, 55, 45, 54, 54, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये रिजल्ट जो है 54.8%, 54.8% ये जो है सेकेंड डिवीजन का रिजल्ट आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।